हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे अपने घर के छोटे छोटे पेड़, और अब मैं आपको अपने घर के दिखाऊंगी बड़े बड़े पेड़ और उनसे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने बगीचे में, और ये साइड में है अमरूद का पेड़ ऊपर तक, और इसमें बहुत मीठे मीठे अमरूद उगते हैं, आप लोग भी लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने मंजरी से ये जो ऊपर होती है इससे कैसे मैंने तुलसी के पौधे उगाए थे। तो बहुत सारे तुलसी के पेड़ मैंने ग्रो कर लिए थे, और ये सबसे लास्ट वाला अमरूद का पेड़ है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके अलावा और बड़े बड़े पेड़ भी लगाए हुए हैं। तो ये है मेरे यहाँ का फ्लावर का पेड़, और ये अभी कलियाँ हैं, ये बड़े भी होंगे, ये कल होंगे, जैसे जस्ट लाइक ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा बड़ा फूल इसमें आता है। और ये फ्लावर का पेड़ है, तो हम लोग पूजा के लिए इसी से फ्लावर ले लेते हैं। देखिए आगे, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ऐसे ये बड़ा सा पेड़ है। और यहाँ पर साइड में गुड़हल का पेड़ भी है, ये है गुड़हल का, और इसमें भी बहुत अच्छे रेड रेड फ्लावर होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। और चलते हैं फिर इधर, देखिए इधर मैंने लगाया हुआ है नींबू का पेड़। ये इस दीवार के उस तरफ, ये सारे पेड़ इस दीवार के उस तरफ जो खाली जगह है उसमें उगे हुए हैं। तो अभी मैं किसी चेयर पे चढ़ के तब आपको दिखाऊंगी, अभी मैं छोटी पड़ रही हूँ यहाँ से। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं चढ़ गई हूँ एक चेयर पर और आ गई हूँ नींबू के पेड़ के पास। तो देखिए, ये नींबू का पेड़ यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ है, और ये देखिए ऊपर तक कितना बड़ा है, और ये बहुत अच्छा नींबू का पेड़ है, और इसमें बहुत सारे नींबू उगते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में भी थोड़ी सी जगह है, खाली जगह है, तो आप लोग प्लीज़ नींबू का पेड़ ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि नींबू से बहुत फ़ायदे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि खाने के बाद आपके पेट में जलन होती है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप नींबू पानी पी लें, और उसके बाद देखिएगा जो आपके पेट की जलन है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। और नींबू के फ़ायदे तो आप लोगों को पता ही होंगे, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, और अगर आप उसे डेली खाली पेट सुबह गुनगुने पानी में पीते हैं तो आपकी बॉडी का फैट बिल्कुल गायब हो जाता है। और मैंने भी काफ़ी दिन पिया था, तो आप ही देख लीजिए, नींबू का बहुत बढ़िया पेड़ है। और ये देखिए छोटे छोटे नींबू उगे हैं, बड़े भी हैं, वो थोड़े ऊपर हैं, देखिए छोटे छोटे, आपको शायद ना दिख रहे हों कैमरे में, बट हैं बहुत सारे। और फिर आते हैं इधर, देखिए ये है मीठी नीम की पत्ती का पेड़, इसे करी पत्ता भी बोलते हैं, और बहुत बड़ा पेड़ है करी पत्ता का, और ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेड़ है। आपको, आपके पास अगर ज़रा भी खाली जगह है तो आप प्लीज़ इसे भी ज़रूर लगाएं, ये छोटे गमले में भी लग सकता है, और इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। इस ये बीपी में बहुत फ़ायदा करता है, जिसको बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, और जिनको हेयर अपने अच्छे करने हैं तो वो प्लीज़ इस पेड़ को ज़रूर लगाएँ और इसका सेवन करें, और बहुत ही अच्छा पेड़ है, और खाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सांभर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और बहुत सी सब्जियों में, साउथ इंडियन लोग जो होते हैं वो तो बिल्कुल ही इस पेड़ को लगाते हैं, और वहाँ पर इनकी पत्तियों का बहुत यूज़ होता है, और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, इसे हेयर घने होते हैं, ब्लैक भी रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस पेड़ को ज़रूर लगाइएगा, और बाकी का जो पेड़ हैं वो मैं आगे बगीचे में जाके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा का पेड़, और ये बहुत ही अच्छा होता है, और आपकी स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा पेड़ है, ये गमले में भी आसानी से लग जाता है, इसे आप लगाएंगे तो इसका बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, ये है आम का पेड़, ये मैंने एक ख़राब आम जो हो गया था उसको ज़मीन में गाड़ दिया था, तो उसे ये पेड़ उगाया है। और जब कभी कथा होती है तो आम के पत्ते दरवाजे में लगाए जाते हैं, तो मैं यहीं से तोड़ के ले जाती हूँ। और गाइस, अब मैं आ गई बगीचे में, और उधर से दिख रहा है मेरा घर, और ये देखिए बाबू झांक रहा है पूरा दिखाई नहीं दे पा रहा है, और वो ऊपर घर है, और उस टाइम मैं अंदर से झांक रही थी,
और इस टाइम मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ सब ऊपर दिख। और देखिए ये है मनी प्लांट, ये देखिए इतना सारा है, आपको चाहिए तो आप भी ले जा सकते हैं, बहुत सारा उगा है। देखिए ऊपर तक चढ़ गया है ये नींबू के पेड़ पे, देखिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से पूरा व्यू दिखा देती हूँ, ये देखिए करी पत्ते का, और ऊपर से आते आते इधर देखिए उधर उधर पूरा बगीचा है दूर तक पूरा ऊपर। तो ये थे फ्रेंड्स मेरे बगीचे के बड़े बड़े पेड़, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।